प्रेजेंटेड बाय वीगार्ड। अक्षय यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। वो कार्यकाल कैसा था उनका? उनके समाज के लिए उनका विकास किया, बाकी को छोड़ दिया। अगर उनके परिवार के शिवपाल जी नहीं लड़ते, यहाँ समाजवादी हमेशा जीती है। अरे बीजेपी तो यही कहेगी कि हमने तुमको पैदा कर दिया। हाँ, मोदी को गिराने वाला ओबीसी है। योगी कैसे लगता है? योगी ठीक है। योगी ठीक है। योगी ठीक। मोदी गड़बड़ है? मोदी गड़बड़। कि वहाँ अगर मोहन यादव को प्रोजेक्ट नहीं करते तो वहाँ अखिलेश घुसे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कही अब यहाँ मोहन यादव को मजबूरी है बीजेपी की, जो मोहन यादव को प्रोजेक्ट किया है। तो ये हम सिकोहाबाद में है, लोकसभा पड़ेगी फिरोजाबाद, और हम जा रहे हैं मैनपुरी की तरफ। तो जाते जाते हमने कहा फिरोजाबाद में लोकसभा को लेकर और माहौल समझे हैं, तो चाय की दुकान पर रुक गए। और मान लीजिए ये शिकोहाबाद का एकदम सेंटर केंद्र है, क्योंकि सामने थाना है, तहसील है, रजिस्ट्री ऑफिस है, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और चाय दुकान में चाचा बैठे हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। हम पूछे पहले उन्हीं का पता कर लेते हैं गुस्से में क्या। बाबू जी इतना गुस्से में कहाँ रहते हैं हम? बाबू जी पैदा भाई तब से ठोकरे खाते रहे, हम गुस्से में कभी नहीं रहते, आप लोगों को लगता है। अच्छा, हाँ। ये लोग कह रहे हैं गुस्से में रहते हैं। अरे ये लोग कौन है? ये जो आप ये शब्द, ये आपने ये क्या शब्द लगा दिया? कौन लोग है? हमें क्या मालूम कौन से लोग है। अच्छा, हमें सभी सभी लोग ही लोग दिखते हैं संसार में, और सब स्वार्थी जीव है, सब संसार में कोई नहीं है। और ये सब बता रहे हैं आपकी चाय दुकान बड़ी मशहूर है, क्यों मशहूर है यहाँ पे? अरे काय की मशहूर है, हमें इतने बड़े बूढ़े आ गए तो मसूर पर ही, आज तक हमने कोई नौकर नहीं रखा, कोई अकेले रहते रहते हैं। अच्छा। हैं, हो जाके पोजीशन देख लो जी बैठे हैं। हाँ। तो हम काय के मसूर हैं, जो सब कहते हैं अपनी मर्जी, हंसी उड़ाते हैं हमारी। देखो कहा कहते चाय पीवे, एक आधे का फोटो दिखा दूँ दुकान के, देखो ये हैं कि ना है, आवत ना आवत गए, ये सब हैं यही दुकान के फोटो हुए, तो सब आते जाते हैं। आप इसीलिए नहीं बोल रहे हो कि सारे नेता लोग आते हैं आपके पास, कोई बुरा ना मान जाए, ऐसा? कौन से हम सबके बुरे हैं, भले हैं काम किसी के, हम सबके बुरे हैं, हम तो बैठे भैया आराम से। क्या हो राधे राधे। क्या नाम भाऊजी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार यहीं के हैं, शिकोहाबाद के हैं। लोकसभा बड़ी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है। कैसा काम धाम रहा अभी सांसद जो चंद्रसेन यादव ने यहाँ पर कार्यकाल रहा उनका? अच्छे सांसद है, विकास कार्य काफी किया है। क्या विकास कार्य किया? सभी सारी रोड बढ़िया है यहाँ पर, सारी रोड बढ़िया। और क्या कराया? और जो जो योजनाएं मोदी की, सारी योजनाएं भली भांत लागू हुई है, उस बराबर सबको लाभार्थियों को उसका लाभ मिला है। अच्छा। हाँ, फिर आदमी जो बाहर का है वो पूछेगा इतना बढ़िया काम था तो टिकट काहे कट गया उनका? अब टिकट इसलिए कट गया, अब उनकी उम्र हो गई है 75 के बाद तो के करीब पहुंचने वाले हैं वो। अच्छा। अब 75 के बाद पार्टी टिकट नहीं देती है लोगों को। बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है विश्वदीप सिंह। और उनकी उम्र कितनी है? उनकी 70 वर्ष के है वो। अच्छा। हाँ, तो भी तो बुजुर्ग ही हुए। बुजुर्ग नहीं हुए अभी, वो अभी 75 साल 5 वर्ष काम करेंगे वो। अच्छा। 70 से 75 वाला गैप है। हाँ हाँ, वो गैप है, वो पूरा करेंगे, उसके बाद बदल जाएंगे सांसद। अच्छा। फिरोजाबाद ने कभी एक सांसद को बराबर नहीं रखा है। हाँ। बदलते रहते हैं हम लोग। क्यों बदलते रहते हैं? देख लेते हैं इनका कार्य अच्छा है तो आगे फिर कार्य कराएंगे, नहीं तो बदल देंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा कार्य है तो आगे चलेंगे, और कार्य अच्छा नहीं है तो फिर दूसरे को लाएंगे। अच्छा, एक आदमी की बापोती तो है नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक। राजनीति किसी की बापोती नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं यही तहसील में मुंशी हूँ। तहसील में मुंशी है। अच्छा, मुंशी क्या काम होता है? ये बैंक पैनल लॉयर के का असिस्टेंट हूँ मैं। वो बैंक के जो लोन की फाइलें होती हैं वो सेंक्शन कराते हैं हम लोग, बना के देते हैं यहाँ से 12 साल वगैरह 30 साल वगैरह निकालते हैं और बैंक को देते हैं, उससे वो सेंक्शन बैंक बनती है। अच्छा, तो आप तो यहाँ कचहरी में बैठते हैं? जी जी। तो तमाम लोग आते होंगे, चुनाव पर चर्चा भी होती होगी। जी जी। क्या माहौल दिख रहा है क्षेत्र में? बराबर का टक्कर बराबर की है साहब। किसके बीच? ठाकुर विश्वदीप सिंह के और अक्षय यादव के बीच। अक्षय यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। जी। और वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र भी हैं, और 2014 से 2019 तक सांसद भी रहे हैं। सांसद भी रहे हैं। वो कार्यकाल कैसा था उनका? हाँ, ठीक था उनका कार्यकाल, जो उधर उन्होंने जहाँ उनका उनका क्षेत्र के लोग थे, उनके उनके समाज के लोग, उनका विकास किया, बाकी को छोड़ दिया। उनके समाज के लोग? हाँ, उनका विकास किया, बाकी को छोड़ दिया। समझाइए क्या मतलब हुआ इसका? उनके सहजाती लोगों के तो उन्होंने काम किए। अच्छा। बाकी लोगों को किसी काम नहीं किया। खुल के अगर बोले हैं तो आप कह रहे हैं कि उनके सहजाती जो यादव हैं उनका काम किया, और लोगों का काम नहीं किया? हाँ, और किसी का नहीं किया। क्या उन लोगों को क्या काम किया? उनके जो जो उनके जो जो उनके काम हुए वो उनके होते रहे, बाकी के नहीं हुए, इसलिए। और अदरवाइज लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया, वो हार गए। अच्छा, हार गए। क्या नाम भैया आपका? रोहित कुमार। क्या करते रोहित भाई? नेटवर्क एडवोकेट। वकील साहब हैं तो काला कोट नहीं पहने हैं आप यार? उस तरह। क्या माहौल चल रहा है वकील साहब? सही चल रहा है।
सही तो चल रहा है, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है? ये तो 4 तारीख 4 जून बताएगी। तो फिर हम आपके पास इतनी दूर से आए हैं, हमको तो कुछ बताइए लोकल क्या चल रहा है? माल का जय श्री राम का चल रहा है। जय श्री राम का चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ जय श्री राम के नारे लगते रहते हैं? लगते हैं, हम तो लगा रहे हैं, कह तो रहे हैं। जय श्री राम से मायने आपका है कि बीजेपी का माहौल चल रहा है? यहाँ साइलेंट वोट है साहब। साइलेंट वोट, साइलेंट वोट, साइलेंट वोट है। अच्छा, अदर नॉन यादव वोट है वो साइलेंट है। अच्छा, और यादव वोट चिल्ला रहा है। अच्छा, कह रहे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, लेकिन नॉन यादव सारा साइलेंट है। अच्छा। वो सारा इकट्ठा वोट करेगा। आपके चुप्पे चाप डालेंगे? हाँ, चुपचाप डालेंगे। अच्छा, जैसे पिछली बार शिवपाल यादव लड़ गए थे चुनाव, तो बहुत लोग कहते हैं अक्षय दूसरे हार गए। नहीं 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 नहीं, वो जो वोट वो शिवपाल जी को मिला था वो अक्षय को नहीं मिलता, वोट कभी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ वो तो वैसे ही वो तो चंद्रसेन जीते थे, अपने दम पर जीते थे, किसी की मेहरबानी से नहीं जीते थे। अच्छा, हाँ उनकी पार्टी का वोट उनको मिला, उनकी पार्टी का उनको मिला। अच्छा, आप कह रहे हैं शिवपाल यादव के जो 90,000 वोट हैं वो उनके खाते से नहीं गए? अच्छा, यादव के, अच्छे यादव के नहीं गए, वो तो उन्हें नहीं मिलते, वो दूसरे को मिलते, उनको नहीं मिलते, अच्छे को नहीं मिलते। वो अच्छे का अगेंस्ट वोट था। अच्छा। हरिओम यादव का वोट था, हरिओम यादव विरोध में थे इनके, अच्छा यादव के। अच्छा, वो वोट उनको नहीं जाता, वो शिवपाल सिंह को गया। हरिओम यादव जो बगल वाली सीट से विधायक हुआ करते थे, हार गए, अब हार गए। हाँ, उनका भी बड़ा चर्चा चल रही थी, नाम चल रहा था कि उनको भी टिकट मिले। हाँ, टिकट वो कैसे रहते? वो ठीक रहते, वो भी अच्छे रहते, वो भी जीत जाते, वो भी जीत जाते, जीत जाते। अभी मगर फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ है। अच्छा, देखिए यहाँ पर इलेक्शन है, देखिए जो जो इलेक्शन है वो जन भावना पर चलता है। जनभावना क्या है? हाँ, जनभावना ये है, एक सेकुलर और नॉन सेकुलर, वो जो लोग अधर्मी हैं वो ये कह, ये तो नाम नहीं बता रहा, जो अधर्मी है वो तो ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, गौ काटेंगे तो अच्छा होगा। कौन गौ काट रहा है? अधर्मी लोग गौ काटते हैं, और कोई हम थोड़ी काटेंगे। और वो इकट्ठे हैं अपनी जगह, और हम धार्मिक लोग हैं जो जो भगवान को मानते, वो एक तरफ है। अब देखो क्या होता है, आगे चल के देखा जाएगा। ये क्या आप हिंदू मुसलमान वाला बता रहे हैं क्या? नहीं, ये कुछ नहीं है। ये जो दबी जुबान में आप कह रहे हैं, मतलब तो वही हुआ ना उसका? उसका मतलब आप कुछ भी लगाइए, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहूँगा। तो वो अधर्मी कैसे हुए भाई? वो अपने धर्म को मानते हैं, आप अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म में इंटरफियर करते हैं, तो वो अच्छी बात है। हम उनके धर्म में इंटरफियर नहीं करते, वो हमारे में करते हैं। ये मतलब समृद्ध वाली बात है, कोई भी सरकार हुई अपना कार बना के ही कार करती है ना, वो उसका वो मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम यहाँ तो सब एक ही हैं। ना कि धर्म वाले हम हैं और सामने अधर्मी हैं, ये कुछ भी आदमी कह देता है उस चीज को, अपने दिमाग का विवेक है, यही तो वो कह दें। ठीक बात है। क्या नाम भाजी आपका? कमल यादव। कमल यादव जी, क्या करते हैं यहाँ पे? प्लॉटिंग का काम करते हैं। प्लॉटिंग का काम करते हैं। जमीन का बड़ा रेट बढ़ा जा रहा है, सुन रहे हैं? बहुत ज़्यादा। क्यों बढ़ रहा है? ये तो सरकार है। सरकार है, सरकार बढ़ा रही है? बिल्कुल। अच्छा, बराबर दे रही है। क्या ले रही है? बराबर महंगाई बढ़ा रही है हर चीज़। बराबर महंगाई बढ़ा रही है हर चीज़। अच्छा, तो महंगाई मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल, चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं है। अच्छा, मेन मुद्दा। और क्या माहौल चल रहा है, कौन जीत रहा चुनाव? यहाँ तो साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी? एक भैया तो आए बोल रहे साइकिल नहीं जीत रही है। अरे कौन कह रहा है? सुदीप सिंह जो है वो बढ़िया टक्का दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, काहे जीत रही साइकिल, वजह बताइए। अरे अच्छा काम कर रही है सर, बढ़िया अखिलेश की सरकार चल रही है। कहाँ अखिलेश सरकार चल रही है? अरे बढ़िया, पहले भी चलती थी। हारे कहाँ है? हारे तो वो हार जीत चलती रहती है। हार जीत तो चलती रहती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अक्षय यादव हैं, वो 14 में 19 रहे, 19 में काहे चुनाव हारे? वो तो हार जीत तो होती रहती है। आप कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा होता तो हारते काहे? वो तो हारा जीती तो चलती है भाई सबको। अब जे हार जाते हैं तब भाजपा भी हारती है, इसीलिए हारती है। कुछ खराब किया हो? क्या कह रहे हैं नेताजी? नेताजी हैं आप? मैं सुरेश यादव हूँ जी। ये नेता बोल रहे हैं आपको? हाँ, तो नेताजी मुझे कहते हैं लोग, सभी कहते हैं। मतलब कोई चुनाव लड़ा है आपने, क्यों नेता बोलते हैं? मैंने चुनाव लड़ा है। कौन सा चुनाव? मैं जिला पंचायत लड़ी है मैंने, डीडीसी रहा हूँ मैं, जिला पंचायत रहे। अभी भी कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, एट ए टाइम कुछ नहीं। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव नेताजी? सही से बताइएगा, नेता वाला नहीं? पक्का नेता वाला नहीं, यहाँ 101% समाजवादी पार्टी आज जीत रही है। आज जीत रही है, आज जीत। हमको समझाइए कैसे, बाहर जो देश के लोग देखेंगे वो कैसे? मैं समझ रहा हूँ, पिछली बार अगर उनके परिवार के शिवपाल जी नहीं लड़ते
यहाँ समाजवादी हमेशा जीती है। रामलीलाल सुमर रहे, दो बार प्रभुदयाल कठेरिया यहाँ से सांसद हो गए थे, तब भी इस तरह से हो गए थे। समाजवादी पार्टी में दरार थी, अच्छा। एक दूसरे प्रत्याशी लड़ गए निर्दलीय, तो इसलिए हार गए। अच्छा, और ऐसे यहाँ जब समाजवादी पार्टी में आपसी दरार होती तब सपा हारती फिरोजाबाद, वरना नहीं हारती। नहीं हारती, पिछली बार शिवपाल लड़ गए, मगर अभी भाई साहब हमारे साथ थे, कहाँ गए वो मुंशी जी? मुंशी जी कह रहे हैं कि नहीं, शिवपाल यादव का वोट जो काटा 90,000 वो वैसे भी ना मिलता, कह रहे अक्षय को, वो मिलता फिर भाजपा को, नाराज वोट था उनका वो। नहीं, आपको मालूम नहीं है यादव कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ सबसे बड़ा वोट जो है यादवों का है सबसे। कितना वोट है यादवों का? लगभग 5 लाख। लगभग 5 लाख? 5 लाख। अच्छा, वो कह रहे देते नहीं वोट। सब देते हैं, क्यों नहीं देते? देते नहीं तो कैसे यहाँ सपा जीती है? अभी यहाँ बात है सिकोबाद से, जो भाजपा का प्रत्याशी जिससे सारे लोग रुष्ट थे और वो समाजवादी पार्टी में आ गया, तो एक तरफा जीत हो गई उसकी भी। अच्छा। नहीं हरा पाए, बेईमानी करके भी नहीं हरा पाए। क्या बेईमानी? बेईमानी करी, काउंटिंग में कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे, जीतने वाले प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया गया। अच्छा। फिर भी वो जीते, और सिरसागंज जीते, जसराना जीते, टूला में यादवों का थोड़ा वजन कम है तो वहाँ थोड़े कम वोट। मतलब आप कह रहे हैं यादव जहाँ होगा वहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी? जीतेगी। यादव समाजवादी पार्टी को ही वोट क्यों देता है? आप भाई देखिए, अब मैं बताऊँ आपको, इसका भी जवाब मैं ही दूंगा आपको। समाजवादी पार्टी को इसलिए देता है कि और पार्टियाँ इन्हें वरीयता नहीं देती हैं, जैसे कि यहाँ सिकोबाद विधानसभा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? मैं बता रहा हूँ उसका रीजन है। अरे बताइए कौन है पहले? वो मोहन यादव है। बताइए, बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने मुख्यमंत्री बना मैं दिया। बता रहा हूं ना उसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव वहाँ चुनाव लड़ गए, अपनी सीटें लड़ा दी उन्होंने, वहाँ 71 सीटों पर चुनाव लड़े। जीते कितनी एमपी में? अरे सारी सीटें 2 नंबर पर रही हैं, तीसरे कहाँ 2 नंबर पर रही हैं? अरे भाई कोई सीट 6,000 से, 10,000 से, 8,000 से ये आ रही, तो उन्होंने देखा कि अखिलेश यादव कहीं एमपी में अपना वर्चस्व न बना लें, इसलिए उन्होंने मोहन यादव को प्रजब किया। आप कह रहे हैं कि यादवों को समाज और भारतीय जनता पार्टी प्रमोट नहीं करती है, उनको जगह नहीं देती है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने तो मुख्यमंत्री बना दिया, इसीलिए बस यही कारण था कि वहाँ अगर मोहन यादव को प्रोजेक्ट नहीं करते तो वहाँ अखिलेश घुसे जा रहे थे। अच्छा। इसलिए उन्होंने कही अब यहाँ मोहन यादव को मजबूरी है बीजेपी की, जो मोहन यादव को प्रोजेक्ट किया है, और जितना पावरफुल होना चाहिए वो पावरफुल नहीं है, वहाँ कमान कसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस लोग, पूरी नाथ और लगाम डाले हुए हैं, मोहन यादव को पूरी वरीयता नहीं दी गई है। अच्छा। हाँ ये बता रहा हूँ। कौन बताया? अरे मैं जाता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ। क्या पता चला वहाँ? मैं गया हूँ एमपी में, लोगों ने बताया, यादवों ने बताया जो यादवों के लिए वो मोहन यादव अपनी तरफ से करना चाहते हैं, आरक्षण की बात करना चाहते हैं, आरक्षण समाप्त किया है बैकवर्ड का, वो तक नहीं मोहन यादव कर पा रहे, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य नहीं कर पा रहे, और मालूम है आपको समाप्ति की ओर है बैकवर्ड का आरक्षण। अच्छा। और संविधान को भी समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसका रीजन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। पहले मोदी 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 पड़ी रहती थी, अब आपने कहीं देखा कि मोदी 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 कहीं पड़ी है? नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मोदी क्रेज खत्म हो गया है? क्रेज खत्म हो गया है बिल्कुल। क्या नाम भैया आपका? अनुपम नाम है। अनुपम? अनुपम क्या करते हैं अनुपम जी? एल आई सी का काम करते हैं, यहीं रहने वाले हैं फिरोजाबाद शिकोहाबाद की। तो भैया जैसे कह रहे हैं कि मोदी का क्रेज खत्म हो गया। बेईमान आदमी। क्या बेईमानी की? क्या बेईमानी नहीं कर ली? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है ये, अभी आपने गाली दी थी के बीच में है? गाली दी थी आपने, हल्का धीमे दे दिया आपने, पता भी नहीं चला आपको। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वो मिला तो सभी को है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप ये देश की संपत्ति बेच दी और कमीशन आपके पास आ गया। कौन से देश संपत्ति बेच दी? चौधरी साहब हवाई अड्डा और ये तमाम चीज़ें बेची हैं। उसको बेच दिया? अड़ानी अम्बानी जो ले तो रहे, खरीद तो रहे, सब बेच दिया है, और जो सब बेच ही रहे हैं हवाई अड्डा और ये सब, और क्या कर रहे हैं? अच्छा। और 6,000 रुपया? नहीं, 6,000 रुपया वो दे देते हैं। DAP कितने की है? DAP कितने की है बताओ? आप बताओ, आप किसान हो गए, हमें क्या बताओ, आप बताओ। 1400 रुपए की है। 14? पहले कितने की थी? पहले कम की थी। कितने की थी? 1200 की थी, उससे पहले और कम की थी। अब 1400 की है, 6,000 रुपए आप दे रहे हैं। खेती भी करते हैं? हाँ खेती करते हैं। कितनी खेती है? खेती है 25 बीघा। 25 बीघा? 25 बीघा। क्या बोया इस बार है? क्या बोया इस बार? इस समय तो गेहूँ खड़ा। गेहूँ
क्या भाव मिल रहा है गेहूँ का? अभी तो कटोगी ना तो भाव का बता दें। मार्केट में क्या चल रहा है भाव? मार्केट में तो सरकारी रेट तो जो है 2,2200 है। और बाहर? बाहर कहाँ है, वही बाहर कौन ले रहा अभी? मतलब मंडी में क्या, मतलब जो MSP वाला होता है वो कितना है? तो एक है तो 2175। पहले कितना था? पहले 2075 था। बढ़ा ना बीजेपी कहेगी हमने बढ़ा दिया MSP। अरे बीजेपी तो तुम ये कहेगी कि हमने तुमको पैदा कर दिया। तो बीजेपी की औरतें वहाँ के पास तो पैदा करते थे, क्योंकि वो आदमी आदमी की अभिव्यक्ति छीन रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा, अभिव्यक्ति छीन रहा है, बोल नहीं पा रहे लोग। कौन क्यों बोल पा रहे हैं? दबाव में आपकी जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, ये रबर स्टाम्प है सर। मुख्यमंत्री मोहन यादव रबर स्टाम्प? रबर स्टाम्प, योगी नहीं है, रबर स्टाम्प। अच्छा हाँ, अगर और आपको ये बता दें, अगर अगर तीसरी बार वो शपथ लेते हैं मोदी जी तो ये हटेंगे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता योगी जी। योगी हटेंगे? हटेंगे निश्चित, डेफिनेट। कैसे कैसे का कौन बताया आपको? अरे कौन बताए, ये तो रोज अखबार पढ़ रहे हैं। वो तो साथ में रैली कर, मोदी योगी तो साथ में रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। फिर ये योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? ठाकरों का वोट क्यों नहीं मिला योगी आदित्यनाथ कैसे? पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चला हुआ, वहाँ ठाकरों का वोट क्यों नहीं? यहाँ बात करो, ये बताओ योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? योगी कैसे लगते हैं? योगी ठीक आदमी, योगी ठीक है, योगी ठीक, और मोदी गड़बड़ है? मोदी गड़बड़ है, योगी ठीक है, वो ठीक है इसलिए हटाया जाएगा। अच्छा, वो मानता नहीं है। और अखिलेश यादव किसे है? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश का? मंत्री तो जो जैसे कि पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है अपना लेके जाए। योगी मुख्यमंत्री ठीक है क्या, अखिलेश यादव ठीक है? हमारे लिए दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। बेहतर कौन? काम करना चाहिए आदमी को। काम कर रहे हैं योगी? क्यों काम क्यों नहीं करता आदमी, लेकिन बहुत से कोशिश करते हैं लगाम से, वो नहीं मानता लगाम। अच्छा। आज तक DGP नहीं दे पाए। हाँ। क्या नहीं दे पाए? DGP नहीं दे पाए परमानेंट। अच्छा, मुख्य सचिव नहीं दे पाए। अच्छा। वहीं से तय होता है, सब दिल्ली से तय होता है, दिल्ली से तय होता है। आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है अमित शाह की है। अच्छा, इसलिए वो काम नहीं कर पाता है। सही, योगी काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप जब वहाँ से नकेल कहोगे तो क्या होगा, आप बताओ। क्या नाम भाव साहब? भाव जी क्या नाम है? मेरा आसाराम भवे। क्या करते हैं? तो हमें गाजियाबाद में बैठते हैं, आए हुए हैं। वोटर कहाँ के हैं? वोटर यहीं के हैं। यहीं के हैं, रहते गाजियाबाद? हाँ रहते गाजियाबाद। अच्छा, वोट देंगे इस बार? हाँ देंगे। किन मुद्दों पर देंगे? वोट देंगे अब की बार, अब की बार तो हम और दूसरी जगह वैसे ओवैसी को वोट देते हैं अब तक। ओवैसी को वोट? हाँ। क्यों? क्यों, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है मोदी को जो है। नाम क्या बताया आपने? आसाराम बघेल। आसाराम बघेल। हाँ, और आप ओवैसी को वोट देते? ओवैसी को देते हैं। बताइए वजह, बताइए वजह, वजह बताइए। योग्य आदमी है, मोदी से योग्य है, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है। अच्छा, जवाब सही देता है। अच्छा हाँ, मोदी को गिराने वाला ओवैसी है। वैसे ही रहेगा? हाँ, वो ही पढ़ा लिखा है और कोई नहीं उसके काबिल। ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग उसको जो है प्रधानमंत्री का दावेदार कर देते तो अभी भी वो उस पर आ जाएगा। दावेदार जो और अन्य पार्टियां हैं ओबीसी को मिला लें तो 22% मोमडन है, एक जगह वोट पड़ेगा। अभी नहीं पड़ता? हाँ बट जाता है वोट। अच्छा हाँ, बट जाता है वोट, बट जाता है। अभी किसको किसको मिलता है? अभी तो रहता है कुछ बसपा में चला जाए, कुछ चला जाता है समाजवादी को चला जाता है, अभी कुछ हाथी को भी चला जाता है बसपा को भी, और दूसरी है और केजरीवाल है। तो ओवैसी को साथ क्यों नहीं लाते हैं लोग? अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव को तो आरोप लगाते हैं ओवैसी की, वो जब मुख्यमंत्री थे तो उनको प्रदेश में आने नहीं देते थे। जिस दिन वो साथ में ले आए तो दावेदार कर दें तो मोमडन एक जगह 22% एक जगह। ये बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आती? पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है, और जबकि सपोर्टर सबसे ज्यादा मुसलमान सपोर्ट करता है, अब उनको पार्टी में ला के। और ओवैसी के जैसे भाई हैं जो हैदराबाद में अकबरुद्दीन, उन पे तो बड़ा आरोप लगते हैं हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का, भड़काने का लोगों को, दंगे कटु भाषण देने का, हिंदुओं के खिलाफ भाषण देने का, उन पे आरोप लगते हैं इस तरह के। तो ये तो राजनीति है, कोई इस पर नहीं है। योगी जी है ये अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, वो अपने मुसलमान मौसमी की बात करते हैं। ये है कि मोदी को गिराने के लिए नेता कैसा होना चाहिए, जो सबकी बात करे या जो एक की बात करे? वो तो ऐसा है सबकी बात करे। तो फिर ओवैसी? ओवैसी भी करते हैं, लेकिन और क्या करते हैं। हमारे यहाँ देखो गाजियाबाद में कई एक थे, उसमें बराबर की टक्कर में रहे। अच्छा, हाँ। और यहाँ क्या माहौल है इस बार?
फिरोजाबाद में? अब तो यहाँ फिरोजाबाद का तो माहौल हमें नहीं, अभी आए हैं। अच्छा, क्या है माहौल इतना? कौन जीत रहा, नहीं आइडिया आपको? अभी तो यहाँ ऐसा आ रहा है, त्रिकोण लग रहा है। त्रिकोण? हाँ। कौन कौन? ऐसा है कि बसपा भी मजबूत है, सपा भी अपनी जगह मजबूत है, और वो जो है भाजपा भी है। अच्छा, अब देखो बसपा में कितना जो है वोट के बसपा, चौधरी बशीर है चुनाव, बशीर बशीर भी, बशीर भी है और उनका एससी वोट भी है, उस मिनट है उस पर। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ अक्षय यादव है? समाजवादी पार्टी भी अपनी जगह मजबूत है। और बीजेपी की तरफ विश्वदीप सिंह है? हाँ, विश्वदीप हैं। इन तीनों का मुकाबला है? हाँ, तीनों का मिला मुकाबला है, बराबर का। चलिए उधर चलते हैं और लोग बात करते हैं भाई। क्या बाबू जी, क्या चल रहा है माहौल, क्या देख रहे हैं? मजा ले रहे हैं हम तो अपने बैठ से ही। क्या मजा ले रहे हैं? कंडा पात रहे हैं तो महिलाएं, चूल्हा कैसे बना रही हैं महिलाएं, चूल्हा कैसे बना रही हैं महिलाएं, ये देख के मजा आ रहा है। और क्या अच्छा लगता है मोबाइल पे? कितना अच्छा लगा था। तो चुनाव में नेता लोग कौन अच्छे हैं? ये सामने ढाड़े में ही अच्छे हैं, उनसे बात कर ली, उनसे बात कर ली हम लोग। अच्छा, हमको इतनी दूर से, हमको माहौल समझाओ, यहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हमें कुछ नहीं मालूम है माहौल, हम कहीं जा। आप वोट देते हो? वोट का देना होता चुपचाप देंगे, छुट्टी भाई का मतलब। अच्छा, कुछ सोचते होगा ना कि इस वजह से देंगे, इस वजह से देंगे, कोई मुद्दा होगा? हमारी कोई बुद्धि काम ना करते, अच्छा लगता है, देता है। क्या करते हैं आप, काम क्या करते? कजना करते कि चलू आ ही जाए, थोड़ा कम बैठ के। बाबूजी क्या नाम आपका? आप नहीं बात करेंगे, वोट देते हैं? अरे हम तो बिना बात करे जाएंगे नहीं आपसे। वोट नहीं देते? वोट नहीं देते, क्यों नहीं देते? हमारी इच्छा है? इच्छा नहीं देते हम। अच्छा, वोट नहीं देंगे तो नहीं, हम तो बात करके जाएंगे। उधर चलते हैं, अपना कचहरी के जी। प्रमोद कुमार बघेल जी बोल रहे हैं, योगी जैसे मुख्यमंत्री युग युग ही बने। अच्छा, हाँ, इन्होंने भू माफिया को हटाया और सत्यता का लाए, सारा भय मुक्त किया। बार बार योगी जैसे मुख्यमंत्री बार बार बने, युग युग बने, युग युग बनते हैं। और यहाँ क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है फिरोजाबाद में? लोकसभा चुनाव में चल रहा है, यादव और मुसलमान यहाँ लगाएं, अन्य जातियाँ एक साइड है। अच्छा, ये राइट लीजिए। किसकी साइड है अन्य जातियाँ? अन्य जातियाँ बीजेपी साइड है। बीजेपी साइड है, यादव और मुसलमान एक साइड है। किसके? सपा के साथ। बसपा बाहर है फाइट से? इसमें मुसलमान देंगे, मुसलमान और जाटप लोग वो बसपा को देगा, और कम से कम 20% एससी का वोट बीजेपी के साथ जाएगा। अच्छा, मतलब जो बीजेपी, जो दलित वोटर है उससे एससी का वोट 20% बीजेपी की तरफ आएगा, 20 बीजेपी की साइड जाएगा। अच्छा, अभी जो सांसद चंद्रसेन यादव, उनका काम कैसा रहा? चंद्रसेन डॉक्टर का राग अच्छा ही रहा। टिकट काहे काट दिया उनका? टिकट का जैसे उनकी अकल थी, जैसा बुद्धि विवेक था, इसीलिए इसमें सफल नहीं हो पाया। ये विश्वदीप सिंह कैसे? इनको अब आगे आने से ही पता लगेगा क्या है बुद्धि विवेक, कैसा है, पब्लिक के प्रति खरे उतरते हैं क्या है। यदि पब्लिक के प्रति खरे नहीं उतरेंगे तो बीजेपी अगले उसमें लोकसभा में इनको हटा देगा। अच्छा, इस बार क्या होगा? इस बार तो देखो पब्लिक के हाथ में है, हमारा तो अंदाज ये है कि बीजेपी ही पार जाएगी। अच्छा, आपका अंदाजा बीजेपी जाएगी पार है। बाबू जी क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल? अमित अग्रवाल क्या करते हैं? अमित जी एडवोकेट हैं। वकील हैं आप? अरे वाह, कब से वकालत कर रहे हैं? 1995 से। 1995 से, मतलब कितने 29 साल हो गए। जी हाँ, लंबे समय से। तो बाबू जी क्या माहौल है चुनाव में, इस बार क्या चर्चा चल रही है? आपके पास तो तमाम क्लाइंट आते होंगे, चर्चा होती होगी पूरे क्षेत्र भर की, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बीजेपी का बनना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? तो बीजेपी ने काम किए उसके लिए बनना चाहिए। बीजेपी ने काम किए, क्या काम किए हैं बताइए जरा। क्यों आप ये बताइए, जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए हैं, सिलेंडर फ्री में दिए हैं, मकान फ्री में बना करके दे रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट की तरफ से आदमी देखेगा, विकास देखेगा। क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आप देखिए पर्यटन स्थल बन रहे हैं, पपड़ी में पर्यटन स्थल बन गया आपका, इतना बढ़िया बना है बड़ेदुर के पास। अच्छा, हाँ, जगह जगह बन रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अक्षय यादव लड़ रहे हैं, वो कैसे प्रत्याशी हैं? नहीं, प्रत्याशी वो भी बढ़िया है, ये कहें तो वो गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन अपना अपना एक ध्येय होता है आदमी का,
आपको लगता है बीजेपी मजबूत? हाँ, तो बीजेपी लोकल प्रत्याशी की वजह से मजबूत है कि ऊपर जो मोदी जी हैं, योगी जी? मोदी जी की वजह से ये सब कुछ, मोदी जी, मोदी और योगी, इनके अलावा प्रत्याशी से मतलब नहीं, मतलब ही नहीं, ऊपर देख के डाल, ऊपर देख के डालेगा भाई। भाई 370 धारा किसने खत्म की है? अच्छा, आप बताओ मुझे, 370 धारा खत्म हो गई आज कश्मीर? क्या हुआ 370 धारा से? क्यों कश्मीर में आप अब देखिए पत्थरबाजी बंद हो गई, झंडे फहरने लगे, आज तक वहाँ झंडे नहीं फहरे थे, कभी भी तिरंगा नहीं फहरा हुआ, नहीं फहरने दिया लोगों ने, तो ये सब चीज़ें हैं। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव, यादव क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं 370 हट गए, प्लाट ले लिए इन्होंने। हाँ, 370 धारा हट गई तो प्लाट ले लिया इन्होंने यहाँ के कश्मीर। अच्छा, मजे ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, मजे क्या बात है, क्या इस बार क्या मुद्दे क्षेत्र में, चुनाव में? चुनाव में सपा जीत रही है एक तरफ, सपा जीत रही है बिल्कुल, भाई साहब कह रहे थे बीजेपी जीत रही है, आप कह रही सपा, आप समझाइए कैसे जीत रही सपा? नहीं, एक तरफ जीत, अगले चुनाव में घर से ही लड़ गए थे सतपाल चाचा, मात्र 23,000 से बीजेपी जीती, सतपाल चाचा के 93,000 वोट पड़े थे। तो अगर सतपाल ना लड़े होते तो अक्षय को ना मिलते, वो चले जाते भाजपा को, ऐसा कह रहे थे? कुछ भी कह सकते हैं, जनता है, अच्छा अपना अपना विचार है, रख सकते हैं। इस बार आपको लगता है जीत जाएंगे? पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर। और बीजेपी के जो प्रत्याशी विश्वदीप सिंह, उनका क्या है? भैया एकदम उतार दिए, हवा में सोड़े एकदम। अच्छा, पहले बसपा थी, और इस बार जो बसपा से चौधरी बशीर हैं, लोग कह रहे हैं मुस्लिम वोट बटेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं भाई, पूरा आएगा एक तरफा, नेता है क्या आप सपा के? नहीं नहीं नहीं, त्रस्त नहीं नहीं, कर कुछ नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं, लेकिन त्रस्त है, कौन त्रस्त है? आपने सवाल कौन सा किया था? आपने बोला त्रस्त है बशीर के बारे में, चौधरी बशीर, मुसलमान मोमडनों के बारे में आपने बोला, कटेगा कोई मतलब ही नहीं कटने का, तो टोटल वोट सपा को मिलेगा। क्यों सपा को मिलेगा? परेशान है भाई हर तरीके से। किस वजह से परेशान? किस वजह से परेशान? अरे प्रताड़ित हो रहा है मुसलमान हर तरीके से। कैसे प्रताड़ित? सब बताइए तो, खुल के बताइए। मैं बता तो रहे हैं खुल के, और कैसे क्या प्रताड़ित हो रहा है? कैसा भी हो, मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, सबको राशन बट रहा है, सबको शौचालय मिल रहा है, सबको आवास मिल रहा है। राशन से क्या हो रहा है? 5 किलो राशन से पेट भर रहा है, 3 दिन चलेगा, आदमी को गुलाम बनाया जा रहा है राशन दे के, मेहनत नहीं करते, रोजगार दो ना बढ़िया तरीका से, क्या दिक्कत आ रही है? राशन से फ्री का खा के गुलाम बना रहे हो, फ्री का खिला के गुलाम बना रहे हो, मेहनत करने दो, रोजगार दो। यादव वोट बैंक है, वो भी तो बढ़ता होगा, वो भी तो मोदी को जाता होगा, बीजेपी को जाता होगा, वो तो पता चल जाएगा, वो तो पता जाता कि नहीं जाता है? जाता होगा हा? जाता होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको नहीं लगता? नहीं लगता। पूरा यादव जाता सपा को? नहीं है, पार्टी तो कम से कम, मैं ये बोल रहा हूँ 1-2% तो एक अलग चीज़ है। क्यों ऐसा क्यों है? मगर फिर तो लोग कहेंगे ना कि जातिवादी वाली बात हो गई, कि यादव हैं तो सपा को देंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं? आप भी कह रहे हो। नहीं तो मैं तो सपा को ही दूंगा बात खत्म। अच्छा, आप सपा को? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम भैया? इधर आइए। राहुल यादव। राहुल यादव, हाँ। क्या माहौल है क्षेत्र में इस बार? अच्छे, यादव जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। क्यों ऐसा क्यों जीतेंगे? अब ऐसा हर पार्टी देख ली, बीजेपी तो अपने तानाशाही पे लगी है। अच्छा, हाँ। क्या तानाशाही? तानाशाही 10 साल हो गए, ना नौकरी मिली ना कुछ, क्या राशन खा के आदमी जिएगा? ये बताएं आप कि राशन से ही आदमी जी लेगा? रोजगार है नहीं, बच्चों को अजय भविष्य में सोच रहे हैं कि इन्हें पढ़ा लिखाने से फायदा क्या है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या करते हैं? वो अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? हाँ। किस क्लास में? अभी लड़का है वो 4th में, लड़की है 3rd में। अगर ये सरकार बनी रही तो मुझे आने वाले समय में बच्चों की ये भी नहीं दिखती है आगे ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ। सरकार बदल जाएगी, ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक होगा, कुछ तो बदलाव आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है ना, अब यानी ये अंधभक्त हो गए हैं कि केवल मोदी मोदी, ये गलत है। क्या होना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। अच्छा। सरकार गिननी चाहिए, दूसरी आनी चाहिए। बात करते हैं। क्या नाम भाऊ जी आपका? प्रेम नारायण। क्या करते हैं प्रेम नारायण जी? राइटर हैं हम, बैनामा लिखते हैं। बैनामा लिखते हैं, वही जो जमीन जमीन कागजात होते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस बगल में। अच्छा, आपके पास तो तमाम लोग आते होंगे क्षेत्र के। क्या माहौल, क्या चर्चा इस बार चुनाव में? कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा, शांति एकदम, शांति एकदम। पता नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, भाजपा का प्रत्याशी हार गया। हार गया क्यों? अच्छा प्रत्याशी नहीं। अच्छा, कौन होता प्रत्याशी तो ठीक रहता? हरिओम यादव। हरिओम यादव, हरिओम यादव जो बगल की सिरसागंज विधानसभा से विधायक होते थे पिछला, वो तो चुनाव विधायक ही हार गए वहाँ पे। हार गए इससे कोई मतलब? तो लोकसभा कैसे जीत जाते?
लोकसभा जीत जाते हैं। बहुत बताइए समझाइए कैसे जीत जाते हैं। जीत जाते यादवों के वोट काटते हैं पूरे सर्किट में। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी भाजपा को यादवों को वोट नहीं मिल पाएगा, किसी भी हरिओम यादव होते हैं तो यादवों को कुछ साइकिल दिखाई देगी, यादवों को सिर्फ कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों, यादवों को सिर्फ साइकिल क्यों नजर आती है? अरे वो उनकी पार्टी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, बिल्कुल है। और अन्य जो जातियां हैं वर्ग हैं उनकी पार्टी नहीं है वो? अन्य है पर यादवों की अधिक साइकिल दिखाई देती है, यादवों कुछ नहीं देगा। हरिओम यादव होते तो वो काट लाते वोट और जीत जाते। हाँ, जितने जाते तो टक्कर देते 99 और 100 की। अच्छा हाँ, और इस बार टक्कर नहीं मिल रही? कुछ नहीं, 60 और 100 का अंतर है। बहुत लोग तो मोदी योगी का नाम देख के डाल रहे हैं, मोदी योगी को वोट नहीं बोला। अच्छा, लोग लोकल प्रत्याशी देख के डाल रहे हैं? बिल्कुल। भाई ये है फिरोजाबाद का माहौल। हम सिकोहाबाद विधानसभा में थे, क्षेत्र में थे, यहाँ जो समझ में आया, जो आपने बातें सुनी, लोगों के मुद्दे सुने, उसके आधार पर आप तय करिएगा कि कौन जीत रहा है फिरोजाबाद में। प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर अक्षय यादव हैं, विश्वदीप सिंह भाजपा की तरफ से हैं, चौधरी बशीर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं। तीनों के बीच मुकाबला है, मुकाबले का नतीजा क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। बाकी जो रुझान है वो आप तक हमने पहुँचाए। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं। शुक्रिया।